हेलो एवरीवन, आज की क्लास शुरुआत करते हैं हम। वैसे मैं बता देता हूँ, ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स के क्रिस्टल स्ट्रक्चर लेक्चर सीरीज का लेक्चर नंबर 5 है। आज की क्लास में हम पढ़ने क्या वाले हैं, हमारा आज का टॉपिक है डायरेक्शंस। किसकी? क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शंस एंड प्लेन्स, ये टॉपिक है हमारा और हमें इस टॉपिक को कवर करना है। आपने कई बार देखा होगा जब हम क्रिस्टल्स के डायरेक्शंस की बात करते हैं तो हम इस तरीके से लिखते हैं, जैसे 110 लिख दिया मैंने, या मैंने 001 लिख दिया, या कई बार क्वेश्चनों में ऐसे भी लिखा हुआ आता है। तो ये होते क्या है, है ना, इनका मतलब क्या है, ये बहुत कंफ्यूज करते हैं, इसके बारे में जानना। या फिर कई बार ये ब्रैकेट ना होकर के ब्रैकेट ये हो जाता है, ये ऐसे हो जाता है, तो इसका इन ब्रैकेट ये पैरेंथेसिस लगा दो तो क्या मतलब बनता है, और अगर स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ तो क्या मतलब बनता है, हम ये दोनों बातें जानेंगे। कई बार हम ऐसे वाले भी देखते हैं, 001 लिखा है, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, या फिर कई बार हम ऐसे देखते हैं 001 लिखा है तो इनका क्या मतलब है, दीज आर एंगल्स ब्रैकेट के अंदर है तो क्या मतलब है, या ब्रेसेस के अंदर है तो क्या मतलब है, पैरेंथेसिस के अंदर है तो क्या मतलब है। इस तरह की चीजों को हम डिटेल में समझेंगे कि ये होते क्या है, इनका मतलब क्या है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम कर कैसे सकते हैं। हम ऐसे भी क्वेश्चन करेंगे जब आपको फिगर दी होगी, ऐसे क्वेश्चन भी करेंगे हम जिसमें कि आपको फिगर दी होगी, जैसे इस तरीके से एक लाइन दे दी आपको और आपको इसके डायरेक्शंस बताने, तो हम ये वाले क्वेश्चन भी करेंगे। तो यानी कि हम सीधे तरीके से भी आएंगे, उल्टे तरीके से भी जाएंगे, और सारे तरह के क्वेश्चन हम आज की क्लास में करेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास की। और हाँ, मैं क्लास से पहले एक बात और बता देता हूँ, क्योंकि मुझे क्वेश्चन बहुत सारे कराने हैं, ठीक है, तो मैं प्लेन्स वाला आज की क्लास में नहीं कराऊंगा, मैं दो लेक्चर में कराऊंगा, ये वाला आज की क्लास में और ये वाला कल की क्लास में। तो शुरुआत करते हैं हम आज की क्लास, जो कि है क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शंस। देखो, अगर मैं एक क्रिस्टल बनाता हूं, एक क्यूबिक क्रिस्टल बना रहा हूं मैं, सारी साइडें बराबर हैं इसमें, ठीक है, ये इसका पीछे का फेस है, अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको ओरिजिन मान लेता हूं, ये वाला एक्सिस जो है मेरा ये वाई एक्सिस है, ये वाला एक्सिस जो है मेरा ये एक्स एक्सिस है, और ये वाला एक्सिस जो है मेरा ये जेड एक्सिस है। अब मैं क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन का मतलब है कि मैं ओरिजिन से अगर कोई पॉइंट की डायरेक्शन निकालना चाहूं तो मैं उसको कैसे लिखूंगा, ठीक है। तो जैसे कि अगर आपसे कोई बोल दे कि ये वाली जो लाइन है ये, इसके लिए आप जो मिलर इंडाइसेस ऑफ डायरेक्शन है उनको कैसे लिखोगे, तो देखो एक बात याद रखना, जब भी हम क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन लिखते हैं हम स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करते हैं। स्क्वायर ब्रैकेट का यूज का मतलब, जब भी स्क्वायर ब्रैकेट देखो आप समझ जाओ कि मैं एक लाइन बना रहा हूं, प्लेन नहीं बना रहा मैं सिर्फ एक टू डायमेंशनल लाइन बना रहा हूं, जो कि ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है, कैसे भी हो सकती है, लाइन होगी पर। और एक बात और, ये लाइन जो होगी इसके तीनों कंपोनेंट्स हो सकते हैं, एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, एंड जेड भी हो सकता है। अब जैसे कि अगर मैं ये इस तरफ की लाइन बना रहा हूं, मैं ये वाली लाइन बना रहा हूं, तो इसको मैं ऐसे में लिखने के लिए क्या लिखूंगा, ठीक है। तो आप हमेशा एक पॉइंट को ओरिजिन मान लो, वहां से मैं कहां गया, अब इस पॉइंट को देखो आप कैसे आया मैं इस पॉइंट पे, मैं एक्स तो बढ़ा ही नहीं आगे, मैं सिर्फ वाई पे चल रहा हूं, तो सिर्फ वाई पे चला, और इसकी साइड सारी हम 111 मान लेते हैं, स्मॉलेस्ट इंटीजर सेट होता है ये, तो इसकी सारी साइड मैंने 1 मान ली, तो मैं वाई में कितना चला 1, एक्स की तरफ में कितना आया बिल्कुल भी नहीं आया, और जेड की तरफ कितना गया मैं बिल्कुल नहीं गया, तो x और z दोनों 0-0 हो गए, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं ये वाली लाइन निकालता, है तो फिर कैसे निकालते, ये डायरेक्शन बता रहा हूं मैं, ये डायरेक्शन बता रही है इस चीज की, ठीक है, अभी आप समझ जाओगे कि कैसे ये डायरेक्शन बता रही है। अब अगर मैं इस तरफ की डायरेक्शन निकालना चाहूं, इस लाइन की जो मैंने अब लाइन बनाई है, तो इसके लिए क्या करूंगा, मैं x आगे आया और ये कितना बताया मैंने 1, और y और z मैं बिल्कुल नहीं गया, तो x तो 1 है और y और z मैं बिल्कुल नहीं गया, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं ये वाली लाइन निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा, इस वाली लाइन के लिए मैं सिर्फ z बढ़ाऊं, कितना 1 स्मॉलेस्ट इंटीजर के लिए, और y और x बिल्कुल नहीं बढ़ा, तो इसको मैं क्या बोलूंगा 001, ठीक है। या अगर मैं आपसे बोलूं, अब हम जरा एक काम करते हैं, अलग अलग तरह की बनाना शुरू करते हैं, ठीक है, कुछ लिख देता हूं। जैसे अगर आपसे कोई पूछ ले कि जरा इसी क्यूब के अंदर, ठीक है, एक काम करते हैं, क्यूब दोबारा बना लेते हैं साफ सुथरा सा,
अगर मैं इस तरीके से एक क्यूब बनाऊं, ये इसका फ्रंट फेस है, ये इसका बैक फेस है। अब अगर आपसे कोई बोले कि इसमें डायरेक्शन बताओ 111 किस तरफ है, तो इससे मैं इसके अंदर एक लाइन बना दूंगा जो मुझे एग्जैक्ट इसके अंदर वो लाइन डायरेक्शन बता देगी। इसी से कैसे, देखो x कितना लिया मैंने 1, y कितना लिया मैंने 1 और z भी कितना लिया मैंने 1। तो एक पॉइंट को ओरिजिन मान लिया मैंने। अब मैं x बढ़ा 1 आगे, ठीक है, ये वाला x है, ये वाला y है एंड दिस वन इज z। अब मैं ब्लू से बनाऊंगा लाइन, ठीक। याद रखना ये वाली जो फेस है ये आगे की तरफ है और ये वाला जो फेस है पीछे वाला, ये वाला, ये पीछे की तरफ है, ठीक है। अब मुझे 111 बनाना है। मैं 1 तो आगे बढ़ा एक्स की तरफ आया, फिर 1 मैं वाई की तरफ भी गया और फिर 1 मेरा जेड भी गया, तो इस पॉइंट पर मैं अराइव हुआ। तो ये जो लाइन बनेगी वो बाहर की तरफ ऐसे ये होगी, ठीक है। आप चाहे तो इतना बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। दिस रिप्रेजेंट 111 इन स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट यानी कि लाइन है, सिर्फ डायरेक्शन। अच्छा एक और क्वेश्चन लेते हैं, आप जरा मुश्किल क्वेश्चनों की तरफ आते हैं। जैसे अगर मैं एक क्वेश्चन बोलूं कि बताओ 011 ये कहां पर होगा, ठीक है, तो इसी के अंदर बना देता हूं मैं। अभी हम मुश्किल क्वेश्चनों पर भी आएंगे जब बार लगा होता है ऊपर, ठीक है। देखो 011 ओरिजिन मैंने यहां पर माना, x में कितना आगे बढ़ा 0, x बिल्कुल आगे नहीं बढ़ा, ठीक है, यही रहेगी मेरा मार्कर। y में 1 आगे बढ़ा, y मेरा यहां आ गया और z मेरा यहां आ गया, तो यानी कि ये पॉइंट। तो लाइन कहां से, ओरिजिन से जाती है हमेशा, तो ये ऐसे, ठीक है। मैंने थोड़ा सा कर्विश इसलिए बना दिया क्योंकि मैं इस पॉइंट के ऊपर मर्ज नहीं करवाना चाहता, कंफ्यूजन हो जाएगी, वरना ये सीधी लाइन है, बिल्कुल इस पे लग रही है डायरेक्ट, ठीक है। अगर मैं कोई क्वेश्चन ऐसा बना दूं 020, ये क्वेश्चन है, ठीक है, धीरे धीरे हम मुश्किल पे बढ़ते जा रहे हैं, 020 है। तो इसको बनाने का बहुत आसान तरीका मैं आपको बताता हूं क्या है। देखो हमेशा क्या करो, जो भी नंबर आ जाए यहां पर, जैसे 2 आ जाए, 3 आ जाए या 6 आ जाए, कुछ भी आ जाए, उसको बाहर निकाल लो। 2 को अगर मैं बाहर निकाल लूंगा तो 0/2 तो 0 ही रहेगा, 2/2 तो 1 हो जाएगा और 0/2 तो 0 ही रहेगा, तो ये बना 010। और 010 को बनाऊं तो कैसे बनेगा, जीरो एक्स बिल्कुल आगे नहीं बढ़ा, वाई 1 आगे बढ़ा यहां पर आ गया और जेड बिल्कुल आगे नहीं बढ़ा, तो यही लाइन है। अब आप बोलोगे सर कि ये लाइन तो 010 है, तो यही लाइन 020 कैसे हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, सिर्फ ये सब एक ही चीज रिप्रेजेंट करते हैं, जितने भी पैरेलल प्लेन्स होते हैं ना सबका एक ही होता है डायरेक्शन वाला, क्योंकि पैरेलल, देखो हम डायरेक्शन बता रहे हैं। अब मैं चाहे ये वाली लाइन मैं बोलूं इधर डायरेक्शन है और यहां पर एक बच्चा खड़ा हुआ है वो बोल रहा है इधर डायरेक्शन है, तो उसका हाथ बोले नीचे है, बट दोनों की डायरेक्शन तो एक ही तरफ है ना, तो पैरेलल वाले जितने भी होंगे उन सबकी डायरेक्शन एक ही तरफ होगी। ऑल्दो वो एक स्पेसिफिक चीज को भले ही ना बता रहे हों, भले ही पोजीशन में फर्क है पर डायरेक्शन तो एक ही तरफ है, तो दीज बोथ आर इक्विवेलेंट। तो ये भी हो सकता है, इवन अगर ये 020 लिख लो या 040 लिख लो, सब एक ही है ये, ठीक है, यही डायरेक्शन है। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन बोलूं, अब थोड़ा सा और डिफिकल्ट करते हैं क्वेश्चन को। मान लो कि हमारे पास क्वेश्चन है, हमारे पास क्वेश्चन है, एक सेकंड में क्वेश्चन ले लेता हूं कहीं से। हमारे पास क्वेश्चन एक मुश्किल वाला है थोड़ा सा, क्वेश्चन है 2/1, 2। अब देखो जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना आप, कभी भी अगर किसी चीज पे बार लग जाए, जैसे 1 बार हो गया तो इसका मतलब है रेसिप्रोकल, नेगेटिव उसका, ठीक है। अब यहां पर करने की एक ट्रिक होगी, आई टेल यू हाउ। देखो तो 2 बार का मतलब क्या है, 2 नेगेटिव में है, 1 पॉजिटिव में है और 2 पॉजिटिव में। ये वाला 2 x वाला जो 2 है ये नेगेटिव है, y वाला 1 पॉजिटिव है और z वाला 2 पॉजिटिव है। तो देखो अगर मैं इस तरीके से एक लैटिस बनाऊं क्यूबिकल, हाँ मैंने क्या बताया, जब भी 2, 3 या कोई भी नंबर हो तो आप क्या करो कि 2 को बाहर निकाल लो। 2 को बाहर निकाल लूंगा तो इसमें से 2 निकाल लिया तो ये बचा 1 बार,
ये बचा 1/2 और ये 2 बाहर निकाल लिया तो ये बचा 1. तो ये आया मेरे पास सेट. मिलर इंडाइसेस ऑफ डायरेक्शन आर दीज इन दिस केस. तो मुझे सिर्फ इसको बनाना है अब इसके अंदर. अब देखो कितना आसान हो गया, 1/2. अब देखो इसमें आपको दो चीजें नहीं समझ में आएंगी, एक तो बार वाले को कैसे दिखते हैं और एक हाफ वाला कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. अगर आपको हाफ वाला समझ में आ गया तो आप 1/3 भी कर लोगे, 1/4 भी कर लोगे. तो देखो कैसे, पहले तो ये बना देते हैं, ये वाई है, ये एक्स एक्सिस है एंड दिस वन इज अवर जेड एक्सिस. अब ओरिजिन, यहां सिर्फ आपको ओरिजिन को शिफ्ट करना है. जब भी नेगेटिव की बात हो तो ओरिजिन शिफ्ट कर दो. कैसे, देखो अगर मैं 1 पे नेगेटिव है ना तो मैं ओरिजिन जो है मेरा वो एक्स की तरफ आगे बढ़ा दूंगा. मैं इसको ओरिजिन मान लेता हूं. अब नाउ दिस इज माय ओरिजिन. जरूरी थोड़ी है, लैटिस देखो ना, लैटिस तो हर तरफ अनंत तक होता है. मैं कोई भी ओरिजिन मान सकता हूं. मैंने अब ये ओरिजिन माना और आप समझोगे कि क्यों माना. जब मैं इसको ओरिजिन मान लूंगा तो मुझे जाना है -1, तो -1 का मतलब मैं यहां पर आ जाऊंगा, है ना. और अगर मैं इसको ओरिजिन मानता तो मुझे पीछे वाले क्यूब की तरफ जाना पड़ जाता और वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाता. अगर मैं ओरिजिन इसको मान लूं तो -1 का मतलब है मैं यहां आ गया, तो यानी कि मैं इसी स्ट्रक्चर के अंदर हूं अभी भी. तो मैं आराम से समझ जाऊंगा, वाई कितना बढ़ाया मैंने, हाफ. -1 तो यहां हो गया और वाई हाफ का मतलब यहां, ये वाई की लाइन है यहां से लेकर यहां तक 1, तो ये हो गया वाई हाफ. उसके बाद जेड 1, तो जेड एक्स -1, वाई हाफ और जेड 1, तो ये वाला पॉइंट. तो जो मेरी लाइन बनेगी वो अब की बार यहां से नहीं बनेगी, हमेशा डायरेक्शन ओरिजिन से देखते हैं. तो मेरी ओरिजिन से जो लाइन बनेगी वो ऐसे बनेगी. तो इस लाइन पे आप लिखोगे आपका 2/1/2, या आप सिंपल ये भी लिख सकते हो 1/1/2/1. बोथ आर परफेक्टली करेक्ट. यहां से होगा पर शुरू, ठीक है, ये बात याद रखना. तो इस तरीके से हम अलग अलग तरह की डायरेक्शंस लिखते हैं. अब और कोई एग्जांपल, और कोई एग्जांपल, हाँ ठीक है, चलो एक एग्जांपल और है, ये भी देखते हैं. चलो इसके बाद कुछ और एक क्वेश्चन करेंगे एंगल्स का. अभी पहले आप ये निकालना सीखो अच्छे से. एक और क्वेश्चन करते हैं. हमारे पास एक क्वेश्चन है 1/1/1, ठीक है. इसको कैसे शो करेंगे देखो जरा, अगेन एक क्रिस्टल बना लो. अच्छा एक बात और आप याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ गेट के लिए या नेट के लिए या जेएम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ आपको, कि कई बार क्वेश्चन में आता है कि ये वाला बना के बताओ एक क्यूबिकल स्ट्रक्चर पे, या कई बार आता है ये वाला बना के बताओ टेट्रागोनल पे. तो अगर टेट्रागोनल पे बनाने के लिए आ जाए तो आपके लिए याद रखना ए और बी तो बराबर है पर सी बराबर नहीं होता इनके. ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है. यानी कि अगर आपका एक्स एक्सिस 1 इतना बना रहे हो आप, वाई एक्सिस इतना बना रहे हो, तो आपका जेड एक्सिस जो बनेगा वो इन दोनों के बराबर नहीं है, वो थोड़ा ज्यादा बन सकता है. उसके लिए ट्रिक होती है डबल कर लेंगे, मैं अभी बताऊंगा उसको, ठीक है. बट वो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है. हाँ ठीक है, तो क्यूबल की अभी हम क्यूबिकल कर रहे हैं, अभी हम सिंपल कर रहे हैं, बिल्कुल सिंपल चीजें कर रहे हैं. अब पहले बना लेता हूं इसको. वैसे आप में से कुछ समझ गए होंगे कि टेट्रागोनल करना कैसे है पक्का. अच्छा देखो ओरिजिन में ये मान लू, नहीं मैं एकदम से ओरिजिन क्यों मान लू, पहले तो मैं ये देखूंगा ना जहां पर नेगेटिव है उसको ओरिजिन मानो, सिंपल रहेगा हिसाब किताब, ठीक है. वाई बार है तो वाई वाले को एक शिफ्ट कर दो, इसको ओरिजिन मान लेते हैं. दिस वन इज वाई, दिस वन इज एक्स एंड दिस वन इज अवर जेड. मैंने ओरिजिन ये मान लिया, अब यहां से चलना शुरू करो. एक्स चला मैं 1, यहां से एक्स चला मैं 1, एक्स का ये पॉजिटिव है ना, तो एक्स चला मैं 1, वाई चला -1, तो वाई का इधर तो होगा पॉजिटिव और इधर होगा नेगेटिव क्योंकि ओरिजिन यहां पर है. तो ये मैं एक्स चला 1 देन वाई चला -1, तो यहां आ गया. उसके बाद जेड चला 1 यानी कि यहां आ गया. तो लाइन कैसे बनेगी, ओरिजिन से ना, ओरिजिन से डायरेक्शन बनती है. ये हो गया हमारा क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन या मिलर डायरेक्शन ऑफ दिस क्रिस्टल, ठीक है. ये आ गया. एक और क्वेश्चन देखें, कोई और स्पेशल क्वेश्चन हो तो. हाँ एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है आपका 1/1/0. चलो इसको भी बनाते हैं हम जरा, ठीक है. देखो आप ये सारे क्वेश्चन जो है ना कॉपी में लिख लेना, और मतलब फिगर मत लिखना आप सिर्फ ये चीज लिख लेना, ठीक है. क्योंकि अगर फिगर भी लिख लोगे तो आप देख ही लोगे, फिर फायदा क्या हुआ. और वीडियो तो है ही, अगर कल को आपको नहीं बन रहा तो आप वीडियो से देख सकते हो, पर कॉपी में मत लिखना. कॉपी में सिर्फ इनको लिखो ऐसा क्वेश्चन कि इसको बना के दिखाओ, इसको बना के दिखाओ, इस तरीके से. तो चलो ये वाला बनाते हैं एक.
ये हो गया हमारा वाई, ये हो गया हमारा एक्स, ये हो गया हमारा जेड। वन बार एक्स पर ही नेगेटिव है, वन नेगेटिव है तो सॉरी दिस वन इज एक्स, दिस वन इज वाई। अब वन बार का क्या मतलब हुआ, पहले ही मैं एक्स का ओरिजिन जो है यहां ना लेकर के मैं यहां ले लेता हूं ओरिजिन। ओरिजिन यहां लेने से मुझे क्या फायदा है कि जब मैं वन माइनस करूंगा तो मैं इसी के अंदर ही रहूंगा, तो ये ओरिजिन हो गया मेरा। वन माइनस का मतलब है मैं यहां आया, फिर वन वाई की तरफ बढ़ा यहां की, यानी कि यहां आया और जेड में बढ़ा ही नहीं, तो यही हो गया मेरा पॉइंट और डायरेक्शन मेरी ये हो गई यहां से। ठीक है, आप इस पे चाहे तो लिख सकते हो वन बार वन जीरो। बात समझ में आ गई। अब एक इंपॉर्टेंट बात, कोई और क्वेश्चन रह रहा है देखू? नहीं, और कोई ऐसा खास क्वेश्चन नहीं है। मैं आपको कुछ क्वेश्चन करने के लिए देता हूं, चलो ठीक है, आप दिमाग लगाना, मुश्किल क्वेश्चन दे रहा हूं। ये वो क्वेश्चन है जो अगर आपने कर लिए एक ही बार में तो आप समझ लो कि आपका क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया, ऐसे समझ लो। क्वेश्चन है आपका पहला, ये आपके लिए होमवर्क है। पहला क्वेश्चन है आपका वन टू बार वन, ठीक है, कैसे करोगे हिंट बताऊं? अगर मैं टू बाहर निकाल लूं तो क्या हो जाएगा, वन बाय टू, ये तो पहला वन बाय टू हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा वन बार और तीसरा हो जाएगा वन बाय टू। करना क्या है, एक स्ट्रक्चर लेना है हमें इस तरीके से, क्रिस्टल लेना है, ठीक है, सॉरी इसके एक्स वाई जेड बना देना आप, उसके बाद ये ओरिजिन है यहां पर, उसके बाद क्या हाफ एक्स की तरफ, पहले तो वन बार वाला ले लो ओरिजिन, यहां ले लो, यहां मत लो, क्यों, क्योंकि वाई को मुझे माइनस वन भी करना है, तो वाई माइनस वन होगा, एक्स की तरफ आधा बढ़ूंगा, फिर वाई की तरफ आधा बढ़ूंगा और लाइन बना दूंगा, समझ रहे हो, इस तरीके से आप करना इस क्वेश्चन को। तो पहला तो आपका ये हो गया होमवर्क। एक और होमवर्क लेते हैं आपके लिए, एक आप ये वाला होमवर्क करके बताना मुझे, वन टू माइनस टू, मतलब आप मुझे पता है कमेंट में आप इनके आंसर नहीं लिख पाओगे, आप सिर्फ इतना बताना कि आपसे बना या नहीं बना, ठीक है, आप बना पाए या नहीं बना पाए। अगर आप कोई शायद नहीं बना पाए तो मैं नेक्स्ट वीडियो के एंड में वो बना दूंगा आपके लिए, ठीक है। तो आप एक काम करो, बस यही दो क्वेश्चन कर लेना, दीज आर डिफिकल्ट क्वेश्चन, मतलब नॉट दैट डिफिकल्ट, बट ये आपके अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप कर लोगे आराम से। अब मैं आपको एक बात और बताता हूं, देखो अगर मैं लिखूं वन वन जीरो जीरो, या मैं लिखूं जीरो वन जीरो, या मैं लिखूं जीरो जीरो वन, या मैं लिखूं वन बार जीरो जीरो, या मैं लिखूं जीरो वन बार जीरो, या मैं लिखूं जीरो जीरो वन बार, ये छह के छह एक ही फैमिली को बता रहे हैं, छह के छह एक ही फैमिली बता रहे हैं। एक ही फैमिली बताने का क्या मतलब हुआ कि अगर मैं एक स्ट्रक्चर एक क्रिस्टल बनाऊं, ठीक है, उसमें 100 कहां पर आएगा, ये वाली लाइन, 010 कौन सी है, ये वाली लाइन, तो ये एटम और ये एटम की जो स्पेसिंग है और ये एटम और ये एटम की जो स्पेसिंग है दोनों में इक्वल है, तो दीज आर इक्विवेलेंट, ये दोनों डायरेक्शन वेक्टर्स जो आ रहे हैं ये इक्विवेलेंट है एक दूसरे के, तो दीज आर दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस, दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस, क्योंकि इस एटम और इस एटम के बीच में भी क्या है, स्पेसिंग बिल्कुल इक्वल है। उसी तरीके से नेगेटिव कर लोगे तो भी स्पेसिंग बिल्कुल इक्वल आएगी, तो जब दो एटम्स के बीच की स्पेसिंग इक्वल आ रही है तो इस तरह के जो मिलर इंडाइसेस डायरेक्शंस होते हैं दे आर इक्विवेलेंट टू ईच अदर। और इक्विवेलेंट के जब हम ग्रुप्स को लिखते हैं तो आपको ये सारे लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ क्या करो इनमें से कोई भी लिख दो, कोई भी एक जो आपको ठीक लगे वो लिख लो। मैं पहले लिख देता हूं 100 और इसको इस ब्रैकेट में डाल दो, एंगल ब्रैकेट, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है, ये इतनी सी चीज, बस इतना सा हिसाब किताब ये पूरा ग्रुप बता दे रहा है, सारे परम्यूटेशन जितने भी इससे बन सकते हैं, ठीक है। तो दिस रिप्रेजेंट द ग्रुप्स ऑफ इक्विवेलेंट मिलर इंडाइसेस डायरेक्शंस वगैरह, सॉरी मिलर डायरेक्शन, मिलर क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शंस, ठीक है। तो ये हमारा एक केस हो गया क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शंस का। एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर और है, कभी कभी हमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं और यूजुअली पूछते ही हैं, अगर मैं आपको बताऊं जो गेट वेट के एग्जाम होंगे ना उनमें पूछेंगे आपसे कि आप बताओ कि जो डायरेक्शन लाइन बनेगी 100 पे और जो बनेगी 111 पे, इन दोनों के बीच में एंगल कितना है। अब आ गया ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो चलो इसको समझ लेते हैं। आप एक बात याद रखना, कोई भी अगर मैं इस तरीके से कुछ भी लिखता हूं तो यहां 101 या 111 व्हाटएवर, उसको मैं बोल देता हूं एच के एल, ठीक है। एच इज फर्स्ट वन, दैट इज ऑफ एक्स, दिस वन इज ऑफ वाई, दिस वन इज ऑफ जेड। और एक और अगर मैं लिखना चाहूं यहां पर, तो अब मैं एच लिख दूंगा तो जो यहां है वही यहां हो जाएगा,
एक काम करते हैं, एच डैश बोल देते हैं। एच डैश का मतलब नेगेटिव नहीं है उसका, एच डैश का मतलब कोई दूसरा। ये हो गया के डैश, ये हो गया एल डैश। मैंने इस तरीके से दो क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शंस ले ली, ठीक है। अब मुझे बोला इन दोनों के बीच का एंगल बताओ, तो आप एंगल का एक फॉर्मूला याद रखो, कॉस थीटा इज इक्वल टू एच एच डैश प्लस के के डैश प्लस एल एल डैश डिवाइडेड बाय, पहला वाला आएगा आपका ये वाला एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2, देन प्लस याद रखना आपका ये आएगा एच डैश का स्क्वायर प्लस के डैश का स्क्वायर प्लस एल डैश का स्क्वायर और ऊपर पावर 1/2। आई होप ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं, एक सेकेंड से, आई एम सॉरी, यहाँ पर मल्टीप्लाई होता है, प्लस नहीं होता। तो यहां तक का केस क्लियर। अब एक काम करते हैं, इसको आप लिख लो और हम शुरू करते हैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन करते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। मैं जरा क्वेश्चन लिख देता हूँ, तो ये क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन्होंने ये बोला है कि अगर मैं जरा बना के बताता हूं, अगर मैं 111 डायरेक्शन की बात करूं, अब 111 डायरेक्शन मैंने आपको निकालना सिखाया हुआ है, आई होप आपको क्लियर होगा। अगर मैं इसको ओरिजिन मानूं, ये हमारा क्या है y, दिस वन इज व्हाट x एंड दिस वन इज z। अब 111 डायरेक्शन का मतलब क्या है, x में 1 बढ़ा, y भी 1 बढ़ा और z भी 1 बढ़ा, तो ये वाली डायरेक्शन, ये लाइन, तो ये हो गया 111 111। अब इन्होंने बोला है इस लाइन और 100 100 यानी x1 y0 z0 यानी ये वाली लाइन, दिस इज 100, इन दोनों के बीच में जो एंगल है, एक ऐसे जा रही है और एक ऐसे जा रही है, इन दोनों के बीच में जो एंगल है थीटा, इसकी वैल्यू बताओ कितनी है। हालांकि मैंने यहां आंसर लिख दिया, इसकी वैल्यू आएगी 54 डिग्री 44 मिनट्स, पर कैसे आई ये वैल्यू, तो मैंने अभी आपको बताया, जो भी दो निकालने आप उन दोनों को लिख लो, 111, दूसरा कौन सा है 100, ये हो गया आपका एच के एल, ये हो गया आपका एच डैश के डैश एल डैश, उसके बाद कॉस थीटा लगाओ, फॉर्मूला क्या बनाया बताया मैंने, एच इंटू एच डैश यानी 111 प्लस के इंटू के डैश यानी कि 100, देन अगेन 1 टाइम 0 इज 0, उसके बाद डिवाइड में क्या था एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर विल बी 3 और पावर 1/2, उसके बाद मल्टीप्लाई 1 स्क्वायर प्लस 0 प्लस 0 क्या हो जाएगा ये आपका 1, उसके ऊपर भी 1/2 है, 1 की पावर कुछ भी 1 ही रहेगा, तो अल्टीमेटली ये कितना आया मेरे पास 1 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 की पावर 1/2 का मतलब है √3। तो अगर मैं यहां से थीटा निकालूं तो क्या आएगा थीटा कॉस इनवर्स 1/√3, और इसको आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से चेक करोगे तो आंसर आपका आएगा 54 डिग्री 44 मिनट्स, ठीक है। ये डिग्री है, रेडियन नहीं है, तो क्लियर रखना जब आप चेक करो। तो ये समझ में आया पहला पार्ट। इसी तरीके से जब मैं दूसरा पार्ट करूंगा तो मैं 110 की डायरेक्शन निकाल रहा हूं, मतलब एंगल निकाल रहा हूं 110 का 111 के साथ, तो 110 क्या है, 110 बनाओ, मैं ब्लैक से बना देता हूं क्योंकि मेरे पास दूसरे कलर का मार्कर है नहीं। एक्स तो है 1, एक्स तो है 1, वाई है 1, वाई है 1 और जेड है ही नहीं, तो यही हो गया, तो ये लाइन दिस इज व्हाट 110। तो मुझे अब निकालना है ये वाला एंगल, दिस थीटा, अब ये एंगल निकालना है, तो ये एंगल निकालने के लिए क्या करेंगे हम, अगेन 111 ये जो है ये हो गया हमारा एच के एल, और दूसरा वाला क्या है 110 110, ये हो गया हमारा एच डैश के डैश एंड एल डैश, और कॉस थीटा का फॉर्मूला लगा दोगे तो ऊपर आएगा एच इंटू एच डैश दैट विल बी 1 प्लस के इंटू के डैश दैट विल बी अगेन 1 प्लस 1 इंटू 0 दैट विल बी 0 डिवाइडेड बाय, इसका तो हो जाएगा √3 डॉट इसका हो जाएगा √2, आप कर लेना प्लीज, ये हो जाएगा 2/√6, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा आपका 35 डिग्री 15 मिनट्स, ठीक है, थीटा की वैल्यू, एंड इसको निकालने के लिए प्लीज यूज साइंटिफिक कैलकुलेटर। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन हो गया। मैं देखता हूं अगर ऐसा कोई क्वेश्चन और है तो, नहीं ठीक है, इस तरह के और भी क्वेश्चन मैं ढूंढूंगा, इसमें मेरे पास तो नहीं है और कोई ऐसा ढंग का सा क्वेश्चन, बाकी मैं ढूंढूंगा तो नेक्स्ट वीडियो में करा दूंगा। पर एक चीज और है कराने लायक, जो कभी कभी आपको जो आनी चाहिए आपको, कई बार क्या होता है कि हमसे उल्टा भी पूछ लेते हैं, लाइक कि हमसे बोल दिया कि हमें फिगर दे दिया और डायरेक्शन पूछा है, तो फिर कैसे करेंगे हम। देखो अगर मैं ये एक फिगर बनाऊं,
this is y, this one is x, and this one is r z. Sorry, this one is y, this one is x. अब मुझसे इन्होंने बोला है कि आप ये एक मैंने लाइन बनाई है, इधर काट रही है, बताओ ये क्या है, इसका डायरेक्शन लिखो, आप मिरर इंडाइसेस फॉर डायरेक्शंस लिखो. तो क्या करेंगे हम, इसी को ओरिजिन मान लो. तो ओरिजिन से मैं x कितना आगे बढ़ा, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मैं इस फेस पर हूं, तो x तो हो गया 0. y कितना बढ़ा मैं, ये कितना है आधा, तो y हो गया आपका आधा. और z कितना आगे बढ़े हम, z तो पूरा ही ऊपर गए, z की यही तो है लाइन, तो z हो गया 1. तो ये हो गया इसका आंसर. पर आधे पे तो छोड़ेंगे नहीं, मिनिमम इंटीजर पे छोड़ना है ना हमें. अगर मैं इसकी पूरे की 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये हट जाएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, ये हो जाएगा 0, 1, 2. दिस इज योर आंसर. इस तरीके से हम ऐसे भी करते हैं, ठीक है. तो आज की क्लास में हमने डायरेक्शन, दैट इज डायरेक्शंस के बारे में सीखा. अगली क्लास में हम फॉर प्लेन्स सीखेंगे, प्लेन्स के बारे में जानेंगे, और इंटरप्लेनर स्पेसिंग की डेरिवेशन मैं आपको कराऊंगा छोटी सी. और जितने भी मैंने क्वेश्चन कराए प्लीज उनकी प्रैक्टिस करना.